तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीर स्टाइल ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा एमटी वर्जन 2 यानी यामा एमटी 50 वर्जन 2 के बारे में। गाइस, इस बाइक को लेके यूट्यूब पे अभी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और कोई बोल रहा है कि ये मिड मार्च में लॉन्च होने वाली है, कोई बोल रहा है कि गाइस ये एक, कोई बोल रहा है बुक हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इस बाइक के रिलेटेड गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या ये बाइक सच में एमटी 50 जो है ये मिड मार्च के अंदर लॉन्च हो जाएगी या फिर इसमें भी लॉन्च होने में टाइम लगने वाला है। इसके फीचर्स वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, और इसकी प्राइसिंग में कितना चेंज आएगा वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर हम बात कर लें, ये जो खबर है ये कहाँ से ज़्यादा फैल रही है, एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुआ था। एक्चुअली वो एक स्क्रिप्टेड वीडियो था, उसको पता लगाया गया तो पता लगा कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो था जिसमें इस बाइक को बुकिंग करने की बात चल रही है, ठीक है, जो कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो था। ठीक है गाइस, उसमें बोला गया था कि आपको होली तक ये बाइक देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाइक आपको होली पे देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि यामा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि ये इंडियन मार्केट में कब तक आ सकती है। और गाइस, सबसे पहले बात कर ली जाए तो ये इंडियन मार्केट के अंदर ही लॉन्च होगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी टेस्टिंग इंडिया में ही होनी। और जैसे कि आपको पता होगा 2021 के अंदर ही इस बाइक को टेस्टेड किया गया था इंडिया के अंदर, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस बाइक को स्पॉट किया था। तो ये तो फिक्स है कि इंडिया के अंदर ही इस बाइक को सबसे पहले लॉन्च होना है, लेकिन लॉन्च कब होना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस बाइक को लॉन्च होने में अभी भी यहाँ से 1.5 से 2 महीने लगने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि बाइक आपकी एमटी 50 जो है मिड मार्च के अंदर लॉन्च हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गाइस, अभी भी यामा की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। तो मैं भी नहीं बोल रहा आपसे कि उस दिन लॉन्च होगा या फिर उस दिन होगा, नहीं। तो आपको वेट करना पड़ सकता है 2 से 2 महीने, आप बोल सकते हैं, मतलब 1.5 से 2 महीने लगने वाला है, ठीक है। यानी कि 45 डेज से 60 डेज तक अभी आपको और वेट करना पड़ सकता है। गाइस, मैं खुद इस बाइक के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, और सीरियसली गाइस, ये जो बाइक अपने सेगमेंट के अंदर रहती है, किल कर देती है सारी बाइकों को। तो इस बाइक की क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहती है इंडिया के अंदर, और बहुत सारे लोग फेक वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए गाइस, एक्चुअली उन लोगों की भी गलती नहीं है, जैसा उन लोगों ने देखा तो उस वीडियो में जो फेक क्लिप बनाई गई थी, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई गई थी, आपने भी देखा होगा कि यामा शोरूम के अंदर बैठ के वो लोग बात कर रहे हैं बाइक को बुकिंग करने की, तो वो एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी। तो इसीलिए उसको आप नहीं बोल सकते। अभी हमारे MRD ब्लॉग्स ने भी बनाया था, वो हम मतलब इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने भी बोला था मिड मार्च के अंदर लॉन्च होने वाली है, बट उनका ऑफिशियल अपडेट भी फेक पाया गया। तो वो है कि अब ये बाइक अभी आपकी जो देखने को मिलेगी, इसमें आपको टाइम लगने वाला है, 2 से 2 महीने आप बोल सकते हैं। बाकी इस बाइक के अगर फीचर्स की बात कर लें तो वो आपका इसका जो कंसोल मीटर है वो यामा R15 की तरह रहेगा, क्विक शिफ्टर देखने को मिलने वाला है आपको। और अभी तक बाइक गाइस ये बात कंफर्म नहीं हुई है इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो वो जैसी बाइक कभी लॉन्च होगी या मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऑफिशियल करेगा तो हम आपको जरूर से बता देंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस इस चैनल पे मैं आपको ऑफिशियली अपडेट ही देने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस बाइक को मैं खुद से परचेस करने वाला हूँ, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं देने वाला हूँ जब भी ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड